चैनल पर मैं आराधना गौतम आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है ये आज की एक आम समस्या बन चुका है। प्रत्येक व्यक्ति परेशान है बालों के झड़ने से। हर कोई चाहता है कि बाल लंबे हों, घने हों, काले हों, मजबूत हों। बालों से जुड़ी कोई ना कोई समस्या से हर कोई जूझ रहा है और उससे निजात पाना चाहता है। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज के जो वीडियो में मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ, आप अगर इनका फॉलो करते हैं तो मैं 101% गारंटी लेती हूँ कि आपके बाल लंबे भी होंगे, मजबूत भी होंगे, घने भी होंगे, साथ ही बालों की हर समस्या से आप निजात पा सकेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बालों की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। आपका जो स्लीपिंग टाइम है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। आपको दिन में 7 घंटे नींद आवश्यक होती है, इसलिए रात में जल्दी सोएं और सवेरे जल्दी जागे। रात में 10 बजे तक सो जाएं और सवेरे 4 से 5 के बीच में उठ जाएं। ये होता है ब्रह्म मुहूर्त। सवेरे जल्दी उठने से जो सवेरे का वातावरण होता है, सवेरे जो नई ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को और हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। दूसरे नंबर पे आता है आपके दैनिक नित्य क्रिया से फ्री होने के बाद में, मतलब फ्रेश होने के बाद में, पेट खाली होने के बाद में आपको व्यायाम और प्राणायाम की बहुत जरूरत होती है। व्यायाम और प्राणायाम को अपने रूटीन में शामिल जरूर करें। कम से कम 5 मिनट टहलें, वॉक करें 5 मिनट और 15 मिनट के लिए अनुलोम विलोम और कपालभाति जरूर करें। अब बात आती है हमें सवेरे नाश्ते में क्या लेना चाहिए। नाश्ते में आप जहाँ तक हो सके चाय अवॉइड करें, चाय ना लें, दूध का सेवन करें। ग्रीन टी पी सकते हैं तो ग्रीन टी पिए, यह हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही ब्रेकफास्ट के लिए आप सैलेड का यूज करें, कच्चे फल, हरी सब्जियों का सेवन करें, जिससे कि आपके शरीर में जितना ज़्यादा प्रोटीन, जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन जाएगा, हरी सब्जियां जितनी आप ज़्यादा खाएंगे उतना आपके बालों को पोषण मिलेगा, आपके बाल मजबूत होंगे, साथ ही बाल घने भी होंगे। अब बात आती है खाने की। जब आप लंच लेते हैं तो उसमें दही, एक कटोरी दही जरूर खाएं। दही भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए क्या होता है कि लोग ऊपर से लगाने के लिए, बालों पर ऊपर से लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि ये लगाओ इससे बाल काले होंगे, घने होंगे, ये लगाओ इससे ये होगा। पर मैं कहती हूँ और ये आयुर्वेद कहता है, हमारा आयुर्वेद कहता है कि ऊपर से लगाने से कुछ नहीं होता। जो जो चीज़ें हम खाएंगे, हम जिन जिन चीज़ों का सेवन करेंगे, वो पोषण हमें ज़्यादा मिलेगा। तो दही को बालों में लगाना तो ठीक है, इससे कंडीशनिंग होती है, ठीक है। बाकी दही अगर आप अपनी डाइट में डेली शामिल करते हैं तो ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बालों में असली चमक आती है, चेहरे पर चमक आती है, हड्डियों में कैल्शियम मिलता है। तो खाने के टाइम जहाँ तक हो सके सात्विक खाना खाएं, मिर्च मसालों का कम प्रयोग करें, तेल का कम प्रयोग करें और दही एक कटोरी डेली खाएं। अब पूरे दिन में आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी होता है, मतलब दिन में कम से कम 12 ग्लास पानी आप जरूर पिएं। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपके शरीर को उतनी ज़्यादा अच्छे से पोषण मिलेगा। 5वें नंबर पे आता है रात में सोने से पहले विटामिन सी युक्त चीज का सेवन जरूर करें, और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। तो रात में सोने से पहले आंवले का रस 2 चम्मच जरूर पिए। अगर आपको आंवले का रस आपके घर पर अवेलेबल नहीं है तो आप पतंजलि का आंवले का रस ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, प्योर होता है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं, या फिर और किसी ब्रांड का आप चाहें किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। पर रात में सोने से पहले 2 चम्मच आंवले का रस जरूर पिए, ये आपकी आंखों को और बालों को दोनों को बहुत फायदा पहुँचाएगा। ये तो बात हुई हमारे डेली रूटीन की। अब बात आती है कि आपको बालों के साथ करना क्या है, मतलब अपने बालों को शैम्पू हफ्ते में सिर्फ 2 बार करें। शैम्पू आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है, डेली अपने बालों को नहीं धोना है। डेली बाल धोने से बाल रफ होते हैं, टूटते हैं, नाजुक हो जाते हैं, इसलिए डेली बालों को ना धोएं। अगर आपको लगता है बीच में ज़्यादा गंदगी महसूस होती है तो आप नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो सकते हैं, पर शैम्पू डेली नहीं करना है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार आप शैम्पू करें, और अगर ठंड का मौसम है तो हफ्ते में 1 ही बार शैम्पू करें। और शैम्पू करने से पहले आपके बालों में तेल लगा होना बहुत जरूरी होता है, और तेल जहाँ तक हो सके सरसों का तेल इस्तेमाल करें। सरसों का तेल बालों को ग्रोथ भी देता है, बालों को नरिशमेंट भी देता है, और बालों को मजबूत और काला भी बनाता है। तो बालों के लिए हमेशा सरसों का तेल इस्तेमाल करें। अगर आप शैम्पू कल करना वाले हैं तो अपने बालों को 1 रात पहले
ऑयलिंग कर ले। सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना करके अपने बालों को गुनगुने तेल से मसाज दे। नेक्स्ट डे आप अपने बालों को शैम्पू कर ले। और हो सके अगर आपके पास समय होता है तो शैम्पू करने से पहले अपने बालों में एक चम्मच दही डाल के और मालिश कर लें। इससे अगर आपके बालों में रूसी या डैंड्रफ की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी और बालों को कंडीशनिंग हो जाएगी, आपको अलग से कंडीशनर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थे कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने बालों को एक महीने में ही अपने बालों के झड़ने में अंतर देख सकते हैं, अपने बालों की लेंथ में अंतर देख सकते हैं, बालों के टेक्सचर में अंतर देख सकते हैं, साथ ही बालों की हर समस्या से निजात पा सकते हैं। मैं 101% गारंटी लेती हूँ कि अगर इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपके बालों से जुड़ी हर समस्या खत्म हो जाएगी। आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपने अपनी बालों की समस्या से निजात पा लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे टिप्स पसंद आए होंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कई बालों से जुड़ी समस्याएं और बालों के लिए मास्क वगैरह के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आप उनकी लिंक देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से करती हूँ बाय बाय।